यूपी में हलाल प्रमाणन सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक के सीएम योगी के निर्देश के बाद सोमवार से पूरे प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई है। लखनऊ से लेकर लखीमपुर और बरेली से लेकर बांदा तक छापेमारी जारी है। इसी सिलसिले में आज गोरखपुर में भी छापेमारी की गई। देखिए, शासन की ओर से जो हमें निर्देश मिले थे उसी के तत्क्रम में हम लोगों ने कल और आज काफ़ी सघन कार्रवाई हम लोगों ने करवाई है। यहाँ पे आज हमने करीब 5 जगहों पे करीब बड़े बड़े जगहों पे हम लोगों ने काफ़ी सारे हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट को हम लोगों ने जब्त कराया है, जिसमें हम लोग अभी तक की सूचना तक हम लोगों ने 3 नमूने हम लोगों ने उसमें करवा दिया है और 2 जगह हम लोगों ने जब्तीकरण भी कराया है, जहाँ पे कोई एक जगह 30,000 रुपये तक का प्रोडक्ट हमें मिला हुआ है और एक जगह 5,000 रुपये तक का भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है। और अभी भी हमारी टीम लगी हुई है जो अभी आगे अग्रिम कार्रवाइयां कर रही हैं। आपको मालूम हो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश कि अपने क्षेत्र में वस्तुओं को बाहर भेजने वाली एजेंसियों और फुटकर विक्रेताओं के यहाँ पर निरीक्षण पर हलाल प्रमाणित जो भी वस्तुएं मिले, इनमें कॉस्मेटिक पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। इसके अलावा औषधि, मसाले और खानपान की सामग्री और दैनिक उपयोग की दूसरी सामग्रियों की जाँच के लिए भी कहा गया है। वहीं हलाल प्रमाणित ऐसी कोई भी वस्तुएं मिलती है तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनकी रोकथाम के लिए निर्देश देंगे और वस्तुओं को जब्त भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि औषधियों, चिकित्सा में प्रयुक्त दूसरी सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन की लेबलिंग संगत नियमों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार ना करने, लेबल पर गलत और भ्रामक तथ्य छापने की दशा में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम वर्ष 1940 की धारा 17 और धारा 17C के अंतर्गत मिथ्या छाप की श्रेणी में आता है।